सो हे गाइस, इट्स योर बॉय भव्य देशवाल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपका जेई मेंस का जो एग्जाम है लगभग आ ही चुका है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें जेई मेंस के मॉक्स देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, थोड़ी बहुत हो सकता है नॉइस आ रही हो पीछे बैकग्राउंड से, अभी थोड़ी सी उसको हैंडल कर लेना, कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मेरे को बाहर शूट करनी पड़ रही वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली बात, तुम्हारा 5 से 10 दिन के अंदर तुम्हारा जेई मेंस आने वाला है। अब क्या कर सकते हो हम लोग कि अगर तुम्हारा 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है तो अब मॉक्स दो, नहीं है तो भी दो, क्योंकि फाइनल पेपर तो हमें देना ही है। तो ऐसा ना हो कि हमारा जो फाइनल पेपर हो उसको मॉक्स की तरह दे रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करना कि फाइनल जो पेपर तुम्हारा हो उसको ही पहली बार देख रहे हो, भाई एंग्जाइटी हो जाएगी, हो सकता है तुम ज़्यादा सवाल कर सकते हो, बट फाइनल पेपर में क्योंकि तुम पहली बार ही देख रहे हो सकता है ना बने सवाल, कैलकुलेशन लेने दिए उस वक्त कैलकुलेशन ना हो, इन सब चीज़ों की आदत कहाँ से पड़ेगी, मॉक्स से पड़ेगी, जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, हमारी पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर आपकी शिफ्ट जो है 27 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, अगर आपकी मान लो 29 की शिफ्ट है, 28 की शिफ्ट है, तो क्या करना है, यूट्यूब पे उसी की उसी दिन आपके उसका शिफ्ट का जो सॉल्यूशन आ जाता है, कई टीचर्स बोलते हैं कि उनको नहीं देखना चाहिए, मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा उससे देख लेना, 15 से 20 नंबर का फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जेई मेंस ना हर बार कुछ पैटर्न फॉलो करता है, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है वो इस बार इस पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, तो लगभग हर शिफ्ट में उसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो जाती है, और ऐसे तुम्हें मतलब उसकी आदत कैसे पड़ेगी, जब तुम उनके जो सॉल्यूशन है पहले से यूट्यूब पे देख के जाओगे, ठीक है। तो स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा अगर किसी का भी पेपर बाद में है, बाद की शिफ्ट्स में है, तो इसको पॉजिटिव पॉइंट मानना कि हमें देखना है, जो हमें मतलब यूट्यूब के सॉल्यूशंस होंगे, जो हमारा मान लो 27 तारीख की शिफ्ट 1 है तो उसको देखना है, 27 तारीख की शिफ्ट 2 है उसको देखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि अब बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो अभी बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए या जेई मेंस पे करना चाहिए। अब कहूँगा देखो, अगर तुम्हारा देखो 50% से ज़्यादा सिलेबस हो रखा है ना, तो तुम जेई मेंस पे ही पूरा फोकस करो, प्रैक्टिकल्स को छोड़ दो, बोर्ड्स को छोड़ दो, जेई मेंस पे पूरा फोकस करो। अगर 50% से कम है तो थोड़ा सा फोकस बोर्ड्स पे कर सकते हो, और हम मेंस 2 को ज़्यादा टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन मॉक्स वगैरह तो मैं एडवाइस करूँगा, अगर तुम मेंस दे ही रहे हो तो थोड़े बहुत 1-2 मॉक्स तो अब दे के ही जाना, ठीक है। अब आता है कि लास्ट के दिनों में मैंने कुछ पढ़ाई की थी या नहीं करी थी। देखो, लास्ट के डेज में आपको करनी है रिवीजन, केवल और केवल रिवीजन, एंड प्लस में अगर मेरे से पूछा जाए कि मैंने कुछ नया पढ़ा था, हाँ भाई मैंने कुछ नया पढ़ा था, मैंने नया पढ़ने के नाम पे सिर्फ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी और फिजिक्स के जो मतलब लास्ट के चैप्टर है ना, सेमीकंडक्टर वगैरह, वो देख सकते हो बस। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं क्या करता था, डेली जाता था सुबह 1 घंटा डेली एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग मारता था, उससे मेरे इनऑर्गेनिक में ना 15 नंबर का स्कोर बूस्ट हो गया था, मतलब मैंने 3-4 सवाल एक्स्ट्रा बना लिए थे सिर्फ इसी चीज़ से कि मैं जा रहा हूँ और रीडिंग मार रहा हूँ एनसीईआरटी की आखिरी दिनों में ना, क्योंकि वो दिमाग में रह जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो पढ़ो तो नया कुछ ऐसा मत पढ़ना कि मैथ्स का मैं कॉनिक सेक्शन खोल के बैठा हूँ, वो कॉनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन अब बहुत बड़ा पार्ट है यार, बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बहुत इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, तो वो पार्ट तो नहीं हो सकता। लेकिन इनऑर्गेनिक छोटे छोटे चैप्टर हैं, हाइड्रोजन टाइप, लाइक कुछ चैप्टर तो डिलीट भी हो गए हैं, ऐसा कोई चैप्टर जो छोटा हो जो डिलीट ना हुआ हो, उस चैप्टर को हम इस मोमेंट पर कर सकते हैं और उसको भी अभी कर लेना। ऐसा मत करना कि कल मेरा एग्जाम है और आज मैं पढ़ने बैठा हूँ, कम से कम 5-7 दिन पहले और पेपर वाले से 1 दिन पहले तो बस हम रिवाइज ही कर रहे होंगे, कुछ भी नया नहीं उठाना। ऐसा नहीं है कि कॉनिक सेक्शन अच्छा है तो कॉनिक सेक्शन उठा लिया, इससे होगा कि अगर तुम उठा भी लोगे ना, ना तुमसे उसका सवाल बनने वाला पेपर में, और तुम उसमें 5 मिनट बर्बाद ही करोगे, इससे अच्छा तो वही हो जाएगा कि भाई मेरे को नहीं आता तो 5 मिनट तो बचेंगी मेरी, नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो इतना थोड़ा दिमाग से सोच के चलना, ठीक। आप देख लेना, बहुत आराम से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं हमेशा अपना पेपर ऐसे अटेम्प्ट करता था और हमेशा मेरे को फायदा ही मिला है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता था केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं क्या करता था, 3 राउंड्स में हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो मेरे को आते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के, वो क्वेश्चन जो मैं विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ, लाइक मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है भाई, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मैं सबसे पहले देखूंगा कैलकुलेशन कैसी है, नंबर्स मेरे को कैसे दे रखे हैं, अगर विद इन 1 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर सकता हूँ सवाल तो मैं उसको कर दूंगा, 1 राउंड में पहले ही मारूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री कर ली, अब मैं न्यूमेरिकल में जाऊंगा, न्यूमेरिकल वाले में ऐसे कुछ सवाल लिखूंगा, जैसे कि न्यूमेरिकल वैसे तो काफी लेंथी आते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि इनमें से किस कंपाउंड के पास कार्बन है, ये वो, अगर मैं विद इन 1 मिनट के अंदर सवाल कर सकता हूँ केमिस्ट्री के, वो उसके बाद मैं फिजिक्स में जंप कर जाऊंगा। अब फिजिक्स में क्या करूंगा, वो वाले सवाल विद इन जो मैं 1.5 से 2 मिनट के अंदर, मतलब 2 मिनट के अंदर सवाल कर सकता हूँ फिजिक्स के, पहले मैं वो करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या सवाल कर सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री के 1 मिनट के अंदर वाले सवाल कर चुका हूँ, फिजिक्स के 2 मिनट के अंदर वाले सवाल कर चुका हूँ, प्लस में, अब ऐसा मत सोचना मैंने इतने ही सवाल करे, प्लस में मेरे को पूरा पेपर मेरे दिमाग में आ गया है। तो कई बार ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि जैसे कि मान लो मैं पेपर दे रहा हूँ उस वक्त तो फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है, मैं कोई और क्वेश्चन कर रहा हूँ और तब मेरे को एकदम से अचानक से याद आ जाए, अच्छा हाँ उस क्वेश्चन में ये लगना है, तो उसको तभी की तभी नोट करके लिख लिया और दोबारा जब उस क्वेश्चन में जाऊंगा तब ऐसा अप्लाई कर दिया, समझे। अब क्या हुआ बेनिफिट, समझे, सबसे मेन बेनिफिट ये हुआ
कि मेरे पास पूरा का पूरा पेपर, मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेरे दिमाग में आ चुका है, मैं पूरा पेपर देख चुका हूँ, प्लस में जो इजी क्वेश्चन थे पेपर के जो एक से दो मिनट के अंदर हो सकते थे वो सारे के सारे मैं कर चुका हूँ। ठीक, अब आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स उठाऊं, मैथ के वो सवाल जो तीन मिनट के अंदर या फिर ऐसे लग रहा है तुम्हारे फर्स्ट अटैम्प में कर सकते हो सकता है कैलकुलेशन लंबी भी हो, लेकिन अगर मैं फर्स्ट अटैम्प में कर सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, चार मिनट से ज्यादा लंबी कैलकुलेशन तो मत देना, तीन से चार मिनट, चार मिनट दे दो मैक्स, चार मिनट से ज्यादा लंबी मत देना। अब फिर से वापस केमिस्ट्री में जंप मारा, केमिस्ट्री में वो सवाल जो मैंने छोड़े थे अब दो मिनट के अंदर हो सकते हैं जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है और मेरे को पक्का पता है ये हो सकते हैं, ये मुझसे हो सकते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगी। पेशेंस से करना, ऐसे मत करना, बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है पेपर अटैम्प्ट के दौरान भाई फास्ट 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 करना, फास्ट करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे भाई, फास्ट के चक्कर में प्लस चार से माइनस एक सीधा पांच के डिफरेंस पे आगे गिरोगे। तो कोई भी क्वेश्चन करो ना, हमेशा सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन करूंगा उसको बिल्कुल आराम से करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन से प्लस चार लेने, माइनस एक नहीं लेना। ठीक, और किसी भी सवाल में ना ये नहीं सोचना मैं कि ये इतना लेंदी हो रहा है, अगर तुमने भाई अगर सवाल पे वार कर दिया क्या दोस्त, वार नहीं करना था, वो कैसे पता लगता है, वो मुख से पता लगता है कि मेरे को इस सवाल पे अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमने उस पर बाण चला दिया, तीर चला दी, तो उसको ढंग से सोल्व करना, क्योंकि वरना टाइम वेस्ट होगा। अगर तुम्हें ऐसा मान लो तीन मिनट बर्बाद कर चुके हो फिर लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला हूँ, तो फिर उसको छोड़ सकते हो कि मैं पांच सात मिनट और करने वाला हूँ और तुम्हें रियलाइज हो चुका है, तब तुम बीच में छोड़ सकते हो उसको। वरना अगर तुमने कर दिया कि दो तीन मिनट और लगेंगे तो उसको आराम से लगा लेना। ठीक है, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि 27 का पेपर, मान लो तुम्हारी बाद की शिफ्ट, बताया बाद की शिफ्ट वालों को फायदा होगा अगर देख के जाओगे। अब हो सकता है जेईई मेंस के शुरू के पेपर आसान आ रहे हो और तुम जिस शिफ्ट में बैठे तुमसे लगातार चार सवाल ना बने, अब होगा क्या, ये यार मेरे से सवाल नहीं बन रहे, मैं तो इतनी पढ़ के आया था ये वो, तो इस मोमेंट में हमें ब्लैंक नहीं होना है। हो सकता है जो शिफ्ट तुम्हारी हो वो सबसे ज्यादा मुश्किल वाली शिफ्ट हो, ठीक है, तो इस मोमेंट में ब्लैंक नहीं होना है, चार सवाल नहीं बने एक बन रहा है, ध्यान से देखो जो बताया वैसे ही करनी है, केमिस्ट्री के पहले वो सवाल कर लो जो बन रहे हैं, समझ रहे हो। इन मोमेंट्स में हमें ब्लैंक नहीं होना होता, बिल्कुल धैर्य से काम लेना होता है, अगर ब्लैंक हो गए तो तुम समझ लो तुम हट चुके हो रेस से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक दोस्त यार उसको पैनिक हो गया था, वो थोड़ा उससे मतलब लगातार चार सवाल नहीं हुए थे केमिस्ट्री के, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग थी केमिस्ट्री, उससे केमिस्ट्री के लगातार चार सवाल हुए नहीं, भाई उसको ब्लैंक हो गया, उसने पूरा मेंस का पेपर खराब कर दिया था, उसकी मेंस में बहुत खराब रैंक आई थी, लेकिन उसने एडवांस से बाद में कवर अप कर लिया था। और तो लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना, चार सवाल नहीं है भाई, हो सकता है तेरी शिफ्ट की केमिस्ट्री ही सबसे मुश्किल हो सारे जेईई मेंस के पेपर में, हो सकता है उसमें 40 नंबर पे 99+ परसेंटाइल आ जाए तुम्हारी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। हो सकता है अपने पेपर को एक इंडिविजुअल पेपर की तरह देना, ऐसा मत सोचना कि मेंस के पहले पेपर आसान थे अब के पेपर आसान है, कट ऑफ इतनी जाएगी, मेंस का वेरी करता रहता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से करना और ज्यादा पैनिक मत करना यार, एक एग्जाम है अभी तो फर्स्ट अटैम्प है, सेकंड अटैम्प बेटर बच्चा है हमारे पास, और उसके लिए दो तीन महीने भी हैं, उसकी पूरी अच्छी सी वीडियो डालेंगे, पर अभी ये फोकस करो कि मैं जितना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ फर्स्ट अटैम्प में, जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ उतना अच्छा, सेकंड अटैम्प के लिए भी तुम्हारा उतना अच्छा होगा। ऐसा मत करना कि मेरा सिलेबस बिल्कुल कम 20% है, तब भी 20% हुआ है तब भी कोशिश करो कि मैं जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकूंगा फर्स्ट अटैम्प में उतना ही अच्छा होगा, सेकंड अटैम्प के लिए भी एंड बोर्ड्स के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। एंड बाकी और भी कोई दिक्कत हो यहाँ पे इंस्टाग्राम में हैंडल डाल दिया है और यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता देना। ऑल द बेस्ट।